अपने वालिद से रिवायत करते हैं शुरू करते तो अपने दोनों कंधों के बराबर उठाते। अपने दोनों हाथ अपने के बराबर उठाते नमाज के आगाज में कंधों के बराबर और कभी आप कानों के पास भी ले जाते थे नीचे भी कर सकते और ऊपर भी रुकू में जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए रुकू में जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए सही बुखारी की रिवायत है और जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब अपना सर रुकू से उठाते तब भी अपने दोनों हाथ इसी तरह उठाते थे जैसे शुरू में उठाए और समय अल्लाह हमिदा रबनाकल हमद कहते लेकिन सजदों में ऐसा नहीं करते थे सजदे में जाते हुए हाथ नहीं उठाते थे और न सजदे से सर उठा के हाथ उठाते थे दो रकतों के बाद खड़े होते हुए इब्न उमर से रिवाय है और ये भी सही बुखारी की कि जब वो नमाज शुरू करते तो अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकू करते तब भी अपने दोनों हाथ उठाते और जब समय अल्लाह हमिदा कहते तो भी अपने दोनों हाथ उठाते और जब दो रकत अदा करके खड़े होते तो भी अपने दोनों हाथ उठाते थे और इबन उमर इसको अल्लाह के नबी की तरफ मनसूब करते थे यानि इबन उमर ऐसा करते थे तो वो कहता हूँ नबी वसल्लम ऐसा करते थे मुसलमान हुए थे दोबारा मदीना आए थे इस साल भी आपने नबी सलम को रफुलदैन करते देखा यानी बाज लोग कहते ना कि इब्तदा में नबी सलम करते थे और बाद में नहीं करते थे छोड़ दिया था कुछ लोग कहते हैं वो मक्का में करते थे या मदीना के बुत लेकर आते थे अपनी बगलों में छुपा कर तो उस वक्त फिर ये हुक्म हुआ बिल्कुल मन घड़त बात है बुत तो पहले ही अल्लाह अकबर से गिर जाएंगे उसके लिए बार बार अल्लाह अकबर की तो जरूरत नहीं है वायल बिन हजर रजी अल्लाह बयान करते हैं कि मैंने कहा मैं जरूर देखूंगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते हैं बयान किया कि आप सल्लाह खड़े हुए और अपने दोनों हाथ उठाए हत्या के आपके कानों के बराबर आ गए ठीक है फिर आपने अपने बाए हाथ को अपने दाए हाथ से पकड़ लिया अल्लाह अकबर कह के कानों तक अल्लाह अकबर करके फिर बाए हाथ को दाए हाथ से पकड़ लिया फिर जब रुकू का इरादा किया तो अपने दोनों हाथों को उठाया हत्या के आपके कानों के बराबर आ गए फिर अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रख दिए फिर जब रुकू से सर उठाया फिर अपने हाथों को इसी तरह उठाया रफा का मतलब होता है उठाना ये दैन का मतलब दोनों हाथ रफा यद दूसरी सनद में है वायल कहते हैं कि एक मरतबा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ तो लोगों ने जुब्बे और कंबल पहन रखे थे सर्दी होगी तो वो इसी तरह अपने कपड़ों के नीचे से रफल दैन कर रहे थे यानी अंदर से भी कर रहे थे वायल बिन हुजर ने हर हाल में सहाबा को रफुल्दैन करते ही देखा मुसरन अहमद की रिवायत है ये वाइल रजी अल्लाह उन्होंने मर भी है कुछ अरसे बाद मैं दोबारा आया तो वो सर्दी का मौसम था मैंने देखा कि लोगों ने चादरें ओढ़ रखी हैं और सर्दी की वजह से वो अपने हाथों को चादरों के नीचे से ही हरकत दे रहे हैं हर उंगली उठाने पर एक नेकी है आदमी अपनी नमाज में अपने हाथ के साथ जो इशारा करता है जैसे अतहियात में बैठ कर इशारा करते हैं आप उंगली हिलाते हैं इसके अवसर उसके लिए दस नेकियां लिखी जाती हैं और हर उंगली के बदले एक नेकी मिलती है अपने हाथ के साथ जो इशारा करता है तो हर उंगली के बदले उसको नेकियां मिलती है